दुनिया भर में ना जाने कितनी ऐसी बातें हैं और कितनी ऐसी जगह है जो रहस्यों से भरी है, और इन जगहों की रहस्यों से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। भारत में भी ना जाने कितनी ऐसे रहस्य छुपे हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। आइए आपको बताती है भारत की कुछ जगहों के बारे में जो उन जगहों की रहस्यों के बारे में आज तक अनसुलझी है। छत्तीसगढ़ के चमारा क्षेत्र की गुम्फाओं में कुछ रॉक पेंटिंग्स बनी है जिन्हें 10,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स बताया जाता है। इस पेंटिंग में एलियंस की यूएफओ का चित्र बना है जिसमें दिखाया गया है कि कुछ एलियंस मानवों का अपहरण कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि उनके पूर्वजों के अनुसार यहाँ से वाकई में एलियंस इंसानों का अपहरण करके साथ ले जाती थी, लेकिन आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया कि इन पेंटिंग्स का असली रहस्य क्या है और किसने ये पेंटिंग बनाई है। ताजमहल के बारे में सब जानती है कि ये शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था, लेकिन एक मशहूर इतिहासकार और प्रोफेसर PN Oak का दावा है कि ये ताजमहल कोई प्यार की निशानी नहीं है बल्कि ये एक शिव मंदिर था जिसे तोजो महल कहा जाता था। प्रोफेसर PN Oak अपने कोई तर्क में ताजमहल का शिव मंदिर होने का दावा करती है, लेकिन इनके इस दावे पर कुछ खास गौर नहीं किया गया क्योंकि ऐसे में देश में सांप्रदायिक हिंसा भी हो सकती है। लेकिन इनका ये दावा एक संदेह जरूर छोड़ता है कि क्या है असल में ताजमहल की हकीकत। हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वाला देवी के मंदिर में एक अखंड ज्योति है जो हमेशा जलती रहती है, कभी नहीं बुझती, लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि क्या कारण है कि ये ज्योति बुझती ही नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर ने इस ज्योति को कई बार बुझाने की कोशिश भी की थी लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। वृंदावन के निधिवन मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ के परिसर की रंगम हॉल में आज भी भगवान कृष्ण का वास है। कहा जाता है कि रंगम हॉल में भगवान कृष्ण रात के समय विश्राम करते हैं और यहाँ के पुजारी रोज रंगम हॉल में माखन मिश्रित का एक प्रसाद रखते हैं और बिस्तर बिछाती है, और सुबह देखने पर बिस्तर ऐसा बिखरा होता है जैसे इस पर कोई सोया होगा और प्रसाद भी ग्रहण किया होगा। लेकिन इसके पीछे का रहस्य कोई नहीं जान पाया कि वाकई में भगवान कृष्ण का वास है या इसकी हकीकत कुछ और है। आजकल दुनिया भर में UFO का दिखाई जाने का लोग बात जरूर करती है, लेकिन क्या आपको पता है भारत और चीन की सीमा पर स्थित कोंका ला पास भी अपने आप में एक रहस्य छुपाई हुए है। यहाँ लोग UFO बेस होने का दावा करती है क्योंकि समय समय पर यहाँ लोगों को उड़न तस्तरी और अजीब से प्राणी दिखाई देती है। इस जगह पर कोई वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं और उन्हें खुद अजीबोगरीब चीज़ों का एहसास भी हुआ है, लेकिन इनका असली रहस्य आज तक कोई नहीं खोज पाया है। एक इंसान बिना कुछ खाए कितने दिन जिंदा रहेगा? एक समय बाद उसे जिंदा रहने के लिए कुछ खाना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका शरीर जवाब दे देगा और उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन भारत के प्रहलाद भाई मगनलाल जानी नाम के एक साधु कुछ भी नहीं खाते फिर भी ये सालों से जिंदा है। देश विदेश के कोई बड़े डॉक्टर्स इन पर रिसर्च कर चुके हैं और जांच कर चुके हैं कि आखिर ये बिना कुछ खाए जिंदा कैसे रह रही है, लेकिन आज तक ये आश्चर्य बना हुआ है और कोई पता नहीं लगा पाया कि बिना कुछ खाए ये साधु कैसे जिंदा रहती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ये वर्णना है कि रावण से अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए भगवान राम ने रामेश्वरम से श्रीलंका तक एक ब्रिज का निर्माण किया था। ये पुल राम सेतु या एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। चौंकाने वाली बात ये है कि इस क्षेत्र के आसपास पाए गए कुछ पत्थर सामान्य पत्थरों से बहुत ही अलग होते हैं। ये पत्थर होते हुए भी पानी में डालने के बाद ये तैरती है। इस तरह के फ्लोटिंग पत्थर की घटना के पीछे क्या कारण है अभी तक विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किए जाने के बावजूद भी इसका अभी तक मूल कारण नहीं जान सका गया।
जुड़वा बच्चों की पैदाइश के मामले में यूं तो भारत सबसे पीछे है, लेकिन केरला का एक गांव इस बात को गलत साबित कर रहा है। जी हां, ये भारत का एक अकेला ऐसा स्थान है जहां सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चा पैदा होती है। मल्लापुरम जिले के कोडिनी इलाके में ना जाने क्या अजीब बात है कि यह आश्चर्यजनक रूप से जुड़वा बच्चे पैदा होती है। वास्तव में ये कहा गया है कि गांव में जुड़वा लोगों के 200 से अधिक जोड़े हैं और इसमें ऐसे बच्चे भी शामिल है जिनकी माताओं का दूर दूर के इलाकों से परिवारों में विवाह किया गया है। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि इस क्षेत्र के पानी में कुछ रसायनों की मौजूदगी के कारण ऐसी घटना हो सकती है, हालांकि वास्तविक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं होगा। चाहे अपने आत्माओं की पूरी अवधारणा को बकवास समझ करके दिमाग से बाहर फेंक दिया हो, भानगढ़ का किला आपके विचार बदल सकता है। यह किला एक निर्जन क्षेत्र में स्थित है। यह भी माना जाता है कि रात में इस जगह जो कोई गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चेतावनी बोर्ड भी लगाया है जिस पर लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ किले में जाना प्रतिबंधित है। अभी जो आप जो पत्थर देख रहे हैं वो लोगों का मानना है कि ये पत्थर भगवान कृष्ण का मक्खन का मटका था जो आसमान से गिरा है और ये महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान के रूप में ऐसी ढलान पर रखा है जिसे देखकर लोग चौंक जाती है। दरअसल ये पत्थर एक तीव्र ढलान के किनारे पर रखा है। देखने पर लगता है कि ये पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। ये चट्टान लगभग 20 फीट ऊंची होने के अनुमान की जाती है। इसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आती है। आगंतुक ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है कि इतनी विशाल चट्टान आखिर किस तरह ढलान पर स्थित रह सकती है। बताते हैं कि 1908 में अंग्रेजी हुकूमत ने डर के मारे इस चट्टान को यहाँ से हटाने का प्रयास किया था, लेकिन प्रयास व्यर्थ हो गया था। यह चट्टान आज भी ऐसा ही खड़ी है। कोई नहीं जान पाया कि आखिर यह पत्थर कैसे इस तरह से खड़ी रह सकता है। तो ये थी भारत के कुछ ऐसे रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। तो फिलहाल के दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जो लाइक करना, इसी टाइप की इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किया तो बेल के आइकन जरूर प्रेस करना, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।